MIUI 13 का सिस्टम ऐप में ग्लोबल अपडेट देखने मिला जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी Redmi, Xiaomi और Poco डिवाइस में। अगर आपको करना है वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। MIUI 13 का सिस्टम ऐप में आपको डेली या वीकली अपडेट देखने मिल जाता है। आपका बस वर्जन अलग होता है, एक अल्फा होता है, एक आपको जो स्टेबल देखने मिलता है। तो अल्फा अपडेट्स आपको काफ़ी रेगुलरली देखने मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको तो ऐप शो करने वाला हूँ जिसमें कि आपका अल्फा अपडेट है। फर्स्ट आपका ऐप है MIUI 13 का सिस्टम लॉन्चर जो कि आपका ये अल्फा वर्जन है, और अगर आप इसको अपडेट कीजिए तो इसमें आपको जो है माइनर इंप्रूवमेंट और ऑप्टिमाइजेशन देखने मिल जाएगा आपका लॉन्चर में। तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए लॉन्चर। तो अगर आप इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका ऐप जो है ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन दिए तो उसमें आपको एनिमेशन में आपको इम्प्रूवमेंट और स्मूथ एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। आप अगर एडिट का ऑप्शन में जाएगा तो उसमें भी आपको जो है चेंजेस और जो है स्मूथनेस देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिए इसका मोर में तो उसमें आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन आपका फाइनली जो है आपका स्टेबल अल्फा वर्जन में भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको अपडेट कीजिए तो आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहिए इसका होम स्क्रीन सेटिंग में तो होम स्क्रीन सेटिंग में भी आपको जो है जितना भी ऑप्शन था सभी आपको देखने को मिल जाता है। और गूगल डिस्कवरी का जो ऑप्शन है वो आपका सही से इस अपडेट में काम कर रहा है, मतलब कि पहले इसका सही से काम नहीं कर रहा था इसका पहले वाला अपडेट में, स्टेबल अपडेट में, बट इस अपडेट में परफेक्टली वर्क कर रहा, जो कि आई गेस आपको अपडेट करना चाहिए। लव वर्जन काफ़ी अच्छा वर्जन है जो कि आपका डिवाइस को शायद पहले से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे सकता है, तो ट्राई करना चाहिए। और आपका सेकंड ऐप में अपडेट है वो आपका गैलरी है, जो कि इसको भी आपको अपडेट कर लेना चाहिए। इसमें आपको कुछ फिल्टर्स को रिफाइन किया गया है, कुछ आपको जो नया फीचर्स देखने को मिलता है माइनर चेंजेस के साथ, बट आपको ये भी अपडेट करना चाहिए। तो अगर आप कोई भी फोटो को एडिट करने का ऑप्शन में जाइएगा तो अभी आपको ओरिजिनल, रीडू और अंडू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि पहले आपका ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता था। अभी आपको जो है फाइनली ये ऑप्शन नीचे देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं। और आपको कुछ नया फिल्टर्स देखने को मिलता है जो कि आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो तो ऑप्शंस देखने को मिल ही जाता है। तो अपडेट करके देखिए गैलरी आपको, और बस नया फिल्टर्स और नया ऑप्शंस, और आपका जो है अभी जो इरेज का ऑप्शन है वो भी आपको बेटर देखने को मिलता है, सिलेक्शन आपको पहले से ज़्यादा एनहांस देखने को मिल जाएगा। इसका भी जो भी प्रॉब्लम्स था वो आपका इस अपडेट के थ्रू फिक्स हो चुका है। तो सिस्टम लॉन्चर और गैलरी का जो अपडेट था ग्लोबल अपडेट, जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और अगर आप जाएगा इसका 3-डॉट मेन्यू में है तो कुछ ऐसा नया ऑप्शन या सेटिंग्स ऐड नहीं किया गया है। और अगर आप जाएगा इसका 3-डॉट मेन्यू का टॉप मतलब मेन सेटिंग्स में तो उसमें भी आपको जो कुछ सेटिंग्स में नया ऑप्शन नहीं ऐड किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल एक अच्छा सिस्टम लॉन्चर और गैलरी का अपडेट था, जो कि आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी रेडमी और Xiaomi डिवाइस में। पोको डिवाइस में सिस्टम लॉन्चर इंस्टॉल नहीं होता है। तो आई होप कि शायद आपको ये वीडियो और ऐप अपडेट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखें तो ऑब्वियसली बेल आइकन को टैप कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल में रखिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।